राजर्षि टंडन ओपन विश्वविद्यालय के सम्मानित लर्नर, देश के किसी भी कोने में यदि वह आज के हमारे टॉक को सुन रहे हैं तो आशा है कि आज का टॉक जो है आप सभी समाज कार्य के छात्र और समाज कार्य के कार्यक्रमों में संलग्न सभी लोगों के लिए लाभकर होगा। आज का विषय जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विषय है समाज कार्य का, और कभी कभी हम प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया जाए, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और क्या इसके आर्डर होते हैं, क्या इसका रूप स्वरूप और मैनर क्या होता है, इस चीज़ को व्यवहार में लाने में कभी तरह की समस्याओं को अनुभव करते हैं। तो आज के टॉक के माध्यम से हम अपनी सभी जुड़े हुए लर्नर को समाज कार्य के जो जेनेरिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सोशल वर्क का जिसे कॉमन प्रिंसिपल कहते हैं, तो उन कॉमन प्रिंसिपल को बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एक एक करके हम सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स या समाज कार्य के सिद्धांतों की व्याख्या करें, चर्चा करें। इससे पहले आवश्यक है कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किस लिए है और प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए हैं, प्रिंसिपल के बनाने के पीछे बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, सोच क्या रही है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल का अर्थ है, प्रिंसिपल का जो तात्पर्य है कि एक ऐसा अनुभव पर आधारित, शोध पर आधारित एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा व्यवसायिक मार्ग जो कि समाज कार्य के अभ्यासकर्ता को उनके अभ्यास कार्य में, फील्ड में प्रॉब्लम को एड्रेस करने में, समस्याओं के साथ सोशल वर्क का अभ्यास करने में उनको भरपूर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और यह प्रिंसिपल विशेष करके जो बनाया गया है, जो समाज कार्य के प्रोफेशनल्स हैं, जब हम सोशल वर्क प्रैक्टिस के दौरान छात्र के रूप में, समाज कार्य के छात्र के रूप में या शोधार्थी के रूप में जब हम फील्ड में जाते हैं और समाज कार्य के मुद्दों को लेते हैं और मुद्दों को पहचानने से ले करके और उन मुद्दों को अपने साथ जोड़ने और जोड़ने के साथ साथ उनके अध्ययन, उनका एसेसमेंट और उनका ट्रीटमेंट प्लान और इसके बाद इंटरवेंशन के साथ साथ जब फॉलो अप, जितने भी हमारे स्टेप्स हैं समाज कार्य अभ्यास के, जो कि सोशल केस वर्कर, सोशल ग्रुप वर्कर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सोशल एक्शनिस्ट और इसके बाद सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर एंड सोशल वर्क रिसर्चर फील्ड में अभ्यास करता है। तो यह जो हम प्रिंसिपल आज बात करने जा रहे हैं, ये जेनरिक प्रिंसिपल है जो कि जिसे कहते हैं कॉमन प्रिंसिपल। कॉमन प्रिंसिपल का मतलब कि वह सभी जो 6 मेथड हमने बताया कि 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी जो सोशल वर्क के महत्वपूर्ण जो मेथड हैं, विधि हैं, इन सभी विधियों में इनका महत्व है, इनका उपयोग है, इनकी उपयोगिता है। तो कुछ तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं जिस पर की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वह स्पेसिफिक प्रिंसिपल जो हैं वह स्पेसिफिक मेथड के लिए विशेष रूप से जो है डिज़ाइन डेवलप किए गए हैं रिसर्च के द्वारा, अनुभव के द्वारा और चिंतन के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। लेकिन यहाँ हम उन सभी कॉमन सिद्धांतों का, कॉमन प्रिंसिपल का चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि सभी 6 मेथड में कॉमन रूप से उपयोगी है,
उपयोग किया जाता है, जिसकी उपयोगिता है, महत्ता है। तो यह जैसे मैंने बताया कि ये सिद्धांत बनाए गए हैं जो समाज कार्य के अभ्यास करता है, चाहे समाज कार्य में पीजी कर रहे हैं, चाहे समाज कार्य में यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन के छात्र हैं, और चाहे शोधार्थी हैं, और चाहे तो वह जब अभ्यास करते हैं फील्ड में जॉब के दौरान। कहने का तात्पर्य कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आपको जॉब मिलता है अलग अलग भूमिका के रूप में, आप केस वर्कर के रूप में, ग्रुप वर्कर के रूप में, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के रूप में, और सोशल एक्शनिस्ट के रूप में, सोशल रिसर्चर के रूप में, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जब आप काम करते हैं, तो अपने जॉब को अच्छे ढंग से शार्पन करने के लिए और बहुत ही प्रभावी उपयोगी ढंग से, कारगर ढंग से अपने कार्य को, विशेषकर व्यवसायिक रूप से अपने कार्य को संपन्न करने के लिए, संचालित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए और समस्या परक बनाने के लिए, इन सब सिद्धांतों जिस पर कि हम चर्चा करेंगे, इन सब सिद्धांतों को कॉमन प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं सबसे पहले हमने चर्चा किया प्रिंसिपल क्या होते हैं और किसे कहते हैं, प्रिंसिपल किसके लिए बनाए गए हैं, और अब इसके बाद हम एक एक प्रिंसिपल लेंगे और उस पर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला हम प्रिंसिपल जैसे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, किसी को अपने साथ जोड़ना, अपने क्लाइंट के रूप में उसे स्वीकार करना। मतलब कहने का मतलब कि जो व्यक्ति है और व्यक्ति समस्याग्रस्त है, तो व्यक्ति विथ प्रॉब्लम, पर्सन विथ प्रॉब्लम एट पार्टिकुलर प्लेस, एक निश्चित स्थान पर, और अपनी अलग अपने समस्याओं के कारण एक यूनिक प्रॉब्लम को लेकर के आता है। तो अब यह है कि उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा और क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन सब बातों की चर्चा जो है हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में करेंगे। तो एक्सेप्टेंस का मतलब जैसे मैंने बताया स्वीकारना, स्वीकारना एक्सेप्ट करना, मतलब अपने क्लाइंट को, सेवार्थी को केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं, उसकी टोटलिटी के रूप में, बिना सेक्स, बिना एज, बिना कास्ट, बिना रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ करके व्यक्ति को, जो समस्याग्रस्त व्यक्ति समाज कार्यकर्ता या समाज कार्य की सेवा सर्विस के लिए आता है, सेवा प्राप्त करना चाहता है, उसको, उस व्यक्ति को इन टोटलिटी स्वीकार करना है। व्यक्ति को टोटलिटी में, संपूर्णता में स्वीकार करना है कि व्यक्ति जैसा भी है वह अपनी समस्याओं के कारण है, अपनी परिस्थितियों के कारण है और अपनी समाज मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण है या एनवायरनमेंट के कारण है। तो व्यक्ति जैसा भी व्यवहार करता है, जैसे उसकी समस्या के फीचर्स हैं और जैसा कि उसके एक्शन पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो किस रूप में हमारे सामने उपस्थित है और किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, तो समाज कार्य के जो अभ्यास करता हैं या समाज कार्य के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए यह सिद्धांत बनाया गया है कि वह व्यक्ति को इन टोटलिटी स्वीकार करें। तो व्यक्ति की समस्या और समस्या से जुड़े हुए व्यक्ति और उसके संपूर्णता, क्योंकि जो व्यक्ति दिख रहा है वो अपने संपूर्णता के नाते है,
तो व्यक्ति को टोटलिटी में स्वीकार कर। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसका एक अच्छा रैपर्ट बनता है क्लाइंट के साथ, सेवार्थी के साथ, समस्याग्रस्त व्यक्ति के साथ, और इसके बाद यह समझता है अभ्यासकर्ता कि हर व्यक्ति की समस्याएं अलग होती है, हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति का इन्वायरमेंट अलग होता है और हर व्यक्ति की समस्याओं का अनुभव अलग अलग होता है। तो इन सब फीचर को दृष्टिगत रखते हुए समाज कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है कि केवल व्यक्ति को नहीं स्वीकार करना है, व्यक्ति की समस्या को ही नहीं स्वीकार करना है, बल्कि व्यक्ति समस्या से ऊपर उठ करके व्यक्ति को इन टोटलिटी स्वीकार करना है। दूसरी चीज इसमें एक और पक्ष भी जुड़ा हुआ है कि टू एक्सेप्ट एंड गेट एक्सेप्टेड। तो एक तो व्यक्ति को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बेसिस के, उसमें डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन न करते हुए व्यक्ति और व्यक्ति की समस्या, उसकी स्थिति, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसको टोटलिटी में स्वीकार करना है। दूसरा, टू गेट एक्सेप्टेड। गेट एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? मैंने जैसा बताया कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में दो चीज़ें हैं, टू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट इंडिविजुअल विथ प्रॉब्लम इन हिज टोटलिटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट गेट एक्सेप्टेड। गेट एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ कि अभ्यासकर्ता का, सोशल वर्क प्रैक्टिशनर का बिहेवियर, रिस्पांस, रिएक्शन और एक्शन, डिसीजन, बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए, रिएक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि जिस जो सेवार्थी को, क्लाइंट को, समस्याग्रस्त व्यक्ति, जो समाज कार्य की सहयोग चाहता है, समाज कार्यकर्ता का समाज कार्य की सेवा चाहता है, सर्विस चाहता है, तो उसको भी समाज कार्य अभ्यासकर्ता का व्यवहार, समाज कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया, समाज कार्यकर्ता का प्रेजेंटेशन, उसकी सारी चीज़ें, जो रिएक्शन है, रिस्पांस है, बिहेवियर है क्लाइंट के प्रति, क्लाइंट के समस्या के प्रति, उसका वर्बल, नॉन वर्बल जो फिजिकल एक्सप्रेशन है, और इसके बाद उसका जो टॉक है, जो उसके भाव हैं, जो उसके विचार हैं और जो उसकी प्रतिक्रिया है, तो हम अपने प्रतिक्रिया से, अपने रिएक्शन से यह आभास कराते हैं कि हम अगले व्यक्ति को, समस्याग्रस्त व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। तो यदि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन यदि सपोर्टिव नहीं है, फेवरेबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तब उस परिस्थिति में समस्याग्रस्त व्यक्ति समझने लगता है कि हमें और हमारी समस्याओं को कितना स्वीकार किया जा रहा है अभ्यासकर्ता द्वारा, कितना समझा जा रहा है और कितना उसको महसूस किया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अभ्यासकर्ता का जो रिएक्शन है, रिस्पांस है, चाहे फेशियल रिएक्शन रिस्पांस हो और चाहे कहा जाए वर्बल रिएक्शन रिस्पांस हो, तो ये सारी चीज भी अपने सेवार्थी, समस्याग्रस्त व्यक्ति के अपेक्षा के अनुसार, उसके चाहत के अनुसार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति में विश्वास बढ़ता है, एक अच्छी भाव बनती है, एक ऐसी जो है विचार बनने लगता है कि सचमुच जो अभ्यास करता है वह हमें और हमारी समस्या को समझ रहा है और हमारी समस्या का निदान ढूंढने में मदद कर सकता है और हमारी समस्या से हमें मुक्ति भी दिलाने में मदद कर सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस में जैसे मैंने बताया
कि एक्सेप्ट द क्लाइंट इन हिज टोटलिटी। इसके बाद होता है कि दो चीज़ें हैं, टू एक्सेप्ट एंड गेट एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट करना है टोटलिटी में, और अपने बिहेवियर रिस्पांस, अपने एक्सप्रेशन को, अपने एक्शन को, अपने डिसीजन को इस तरह से प्रोजेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है कि जो कि रिस्पोंडेंट को या क्लाइंट को, समस्याग्रस्त व्यक्ति को यह आभास हो कि हम सही जगह आ गए हैं, सही व्यक्ति के पास आ गए हैं, और व्यक्ति में यह मादा है, व्यक्ति अनुभवी है और हमारी समस्या का यही इसी अभ्यासकर्ता के माध्यम से निदान किया जा सकता है। दूसरे प्रिंसिपल पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। जैसा कि मैं एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी चर्चा किया था, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअलिटी, मतलब कि इंडिविजुअल में भी, मतलब एवरी पर्सन इज यूनिक एज वेल एज सिमिलर टू अदर्स। इसी तरह से हर व्यक्ति की समस्याएं अलग भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, यूनिक हो सकती हैं। इसी तरह से हर व्यक्ति की परिस्थितियां एक जैसे भी हो सकती हैं, कुछ मिलती जुलती हो सकती हैं और अलग हो सकती हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये नहीं समझना है, जो अभ्यासकर्ता को ये नहीं समझना है कि हमने बहुत सारे केसेस को डील किए हैं, बहुत सारे समस्याग्रस्त व्यक्तियों के साथ काम किए हैं, सोशल वर्क का अभ्यास किए हैं। तो इसमें हमें ये नहीं समझना है कि जो हमने बहुत सारे केसेस डील कर दिए, केस वर्क के प्रैक्टिस के दौरान, ग्रुप वर्क के प्रैक्टिस के दौरान, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस के दौरान हमने इंडिविजुअल केसेस देखे हैं और सब इंडिविजुअल ऐसे होते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं महसूस करना है कि अभी तक जो हमने डील किया है, जो केसेस हमारे पास आए हैं, वैसे ही आगे जो अपकमिंग केसेस हैं वो भी एक है, ऐसे ही है, उन सब में सिमिलरिटी है। तो ऐसा न महसूस करके अभ्यासकर्ता को चाहिए कि हर इंडिविजुअल को यूनिक समझना चाहिए और यूनिक एज वेल एज सिमिलर भी समझना चाहिए, कि कुछ चीज़ें, कुछ सिमिलरिटी हो सकती है लेकिन बहुत सारे जो है फीचर्स ऐसे होंगे, बहुत सारे कहा जाए कि जो रिएक्शन रिस्पांस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट से जुड़ी है, व्यक्ति से, व्यक्ति के साइकोलॉजी से, व्यक्ति के फैमिली से, तो वह अपने आप में कहा जाए कि एक डिफरेंट, एक अलग हो सकता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन की हर व्यक्ति, हर घटक, हर समस्या, हर इशू को एक यूनिक समस्या जान करके, और जितने हमारे अभ्यास के स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक ढंग से उसका अनुपालन होना चाहिए व्यवहार में। और सभी जो हमारे कोड ऑफ इथिक्स हैं, कोड ऑफ बिहेवियर हैं, उन सब को दृष्टिगत रखते हुए, और सभी व्यक्ति को जैसे राइट है कि वह उनकी समस्याओं को सुना जाए, और उनको यह भी राइट है कि उनकी समस्याओं को जाना जाए, और उनकी अपेक्षा ये भी रहती है कि उनको इंडिविजुअल मौका भी दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को इंडिविजुअल अटेंशन, जैसे हम क्लास में होता है तो क्लास में, ग्रुप में हम स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपेक्षा होती है कि उन्हें इंडिविजुअल टाइम, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि कॉमन जब क्लास हो रहा है तो उस समय में बहुत सारे मुद्दों को वह छात्र अपनी समय को दृष्टिगत रखते हुए समस्याओं को रख नहीं पाते, और एक बार में, दो बार में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और ग्रुप में जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जो हिडन फैक्ट्स होते हैं, जो कहा जाए कि जिसे डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते हैं, तो वह जो है डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी अलग आइडेंटिटी है, एक अलग जो है डिग्निटी है, एक अलग जो है रिस्पेक्ट है, और एक अलग जो है समस्या है, और एक इन्वायरमेंट भी अलग है, और उससे उभरती हुई कॉम्प्लिकेशंस भी, चैलेंजेज भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को एक अलग जो है इशू मान करके, स्थिति परिस्थिति समस्या मान करके, उन हर व्यक्ति को अलग मौका मिलना चाहिए, और एक नए दृष्टि से, ओपन माइंड से, विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नॉलेज, विदाउट एनी प्रेजडिस, जो पहले की हमारी नॉलेज है उसी आधार पर कंक्लूजन असेसमेंट का या ट्रीटमेंट प्लान का कोई ऐसा जो है नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन में कि हर व्यक्ति और उसकी समस्याओं को एक नया समस्या और नया व्यक्ति मान करके, और उसके साथ सभी जो प्रक्रियाएं हैं अभ्यास के, उनको सभी प्रक्रियाओं का ओपन माइंड से, बिना किसी प्रेजडिस के, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, उनको मौका देनी चाहिए और उनके साथ अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि उनकी समस्याओं का सही अध्ययन हो, सही असेसमेंट हो, और सही जो है ट्रीटमेंट प्लान और इंटरवेंशन और फॉलोअप किया जा सके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगला प्रिंसिपल है, जो कि आप जानते हैं बहुत ही आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैसेज को जो है, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज आप जो रिसीवर है वहाँ तक जो है पहुँचाने की बात होती है। तो पहुँचाना एक अलग चीज़ है, जैसे कोई चिट्ठी हम पहुँचा देते हैं और कोई मेल, कोई मैसेज भेज देते हैं, तो रिस्पॉन्डेंट जो रिसीवर है वहाँ तक तो मैसेज पहुँच गया, लेकिन अब मैसेज पहुँचा तो जो मैसेज चाहता है कि जो मैसेज रिसीवर है वह उस चीज़ को वही समझे जो कि मैसेज देने वाला जो है भेजा है, जो मैसेज देने वाला चाहता है, तो उसी भाव में और उसी लहजे में, उसी रूप स्वरूप में समझे उस चीज़ को और उसका जवाब भी दे, तब होता है कि कम्युनिकेशन जो है ठीक हुआ है। और जब मैसेज हम भेजते हैं और जो रिसीवर है वह उसको उसी जो अपेक्षित है, जो चाहत है, जो सेंडर की चाहत है, तो सेंडर के चाहत के इतर यदि भाव समझा बनता है और रिस्पांस भी उससे इतर आता है जो कि सेंडर अपेक्षा नहीं कर रहा है कि ऐसा गलत रिस्पांस नहीं आएगा, इररिलेवेंट रिस्पांस नहीं आएगा, तब इसका मतलब होता है कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन किसके बीच में, क्लाइंट और इसके बाद प्रैक्टिशनर्स के बीच में। तो प्रैक्टिशनर्स और जो क्लाइंट है, जो सेवार्थी है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, और इसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। साथ साथ जैसे कि कभी कभी हम देखें कि कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को, या कहा जाए कि कम पढ़े लिखे लोगों को या अशिक्षित लोगों को, तब उसमें हम जो है देख सकते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लिखित रूप में एक तो मैसेज दे रहे हैं, दूसरा क्या होता है कि नॉन वर्बल हम फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी के जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, फिंगर है, हैंड्स है, उनका, आईज का जो है उसका भी यूज करते हैं, और साथ साथ जैसे पिक्चर का भी, ग्राफ का भी, इन सब चीज़ों का भी हम यूज करते हैं कि जिससे हमारा जो मैसेज है वह सही हूबहू जिस जो अपेक्षित है वही जो है रिसीवर समझे। इसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं कि ऐसे ग्रुप को और ऐसे
एरिया के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जहाँ की कहा जाए कि शिक्षा बहुत कम है, लोग एक्सपोज नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं हैं, पढ़ाई भी नहीं है, तो वहाँ क्या कर सकते हैं हम, और जो है पिक्चर को ले सकते हैं, डायग्राम को ले सकते हैं, और इसके बाद आर्ट और क्राफ्ट जैसे चीज़ें, डायग्राम है, इन सब चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे देखते हैं कठपुतली जो है नाटक का, ऐसे चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि मैसेज जो है, जो हमारे रिसीवर हैं, जो मैसेज हैं, जिनको मैसेज, जिस तरह का मैसेज पहुंचाना आवश्यक है, तो वह ग्रुप जो है उस मैसेज को समझ सके। तो कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए कि एक तो भाषा में जो है सिमिलरिटी होना चाहिए, जो भाषा हमारे रिसीवर स्वीकारते हैं, जो उनके प्रचलन में है, जो उनके लिए आसान है, सुविधाजनक है, उस भाषा में होनी चाहिए। और दूसरा, भाषा के साथ साथ जो मैंने बताया कि पिक्चर भी दे सकते हैं, डायग्राम भी दे सकते हैं, और इसके बाद स्टोरी के रूप में भी उसको जो है व्यक्त किया जा सकता है, और इसके बाद जैसे बताया पपेट शो के रूप में, या किस रूप में, जिससे कि अगला जो हमारा रिसीवर है उस चीज़ को समझे। और साथ साथ कम्युनिकेशन के समय जैसे हम जो हमारे जो क्लाइंट हैं उनको मौका दें कि वो अपनी बात को रखें, और बार बार क्वेश्चन करने से अच्छा होता है कि हम उनको मौका दें अपनी बात को रखें, और उसमें ही देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वह हमारे जो क्लाइंट हैं अपने आप बिना पूछे ही बहुत सारे मुद्दों का उत्तर जो है दे देते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमें भी अपने जो हमारा एरिया है, फोकस है, उस पर भी हमें जो है कंसंट्रेट करना चाहिए। और इसके बाद हमें लगता है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन समझ गए होंगे, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। तो हर इंडिविजुअल को, हर ग्रुप को, हर सोसाइटी को, हर सेक्टर, हर सेक्शन के लोगों को, तो इसलिए हमें कोई ऐसा निर्णय अभ्यासकर्ता को नहीं थोपना है अपने क्लाइंट के ऊपर, बल्कि उनको इम्पावर करना है, उनको नॉलेज बढ़ाना है, उनकी कॉम्पिटेंस क्वालिटी को जो है इन्हांस करना है, कि जिससे वह उपयुक्त और उपयोगी, कारगर, जो उनके जीवन के लिए उपयोगी होगी और जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक है, उससे संबंधित वह निर्णय लें, जिससे कि यदि निर्णय में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वह न कहें कि यह तो जो है अभ्यासकर्ता द्वारा निर्णय लिया गया था, बल्कि अभ्यासकर्ता को चाहिए कि उचित और उपयोगी निर्णय लेने में क्लाइंट की मदद करें, कि जिससे कि वह स्वयं निर्णय ले सके। अगले प्रिंसिपल हम चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हर चीज़ जो है ओपन नहीं किया जाता है, जैसे कई पेशेंट हैं टीवी से सफ़र कर रहे हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, और बहुत सारे कहा जाए कि वेनेरियल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, और बहुत लोगों के ऐसे संबंध हैं, और बहुत लोगों के ऐसे मुद्दे हैं, इशू हैं, जो कि पब्लिक में ओपन नहीं किया जा सकता है, या औरों को नहीं ओपन किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि उसकी समस्याएं बढ़ेगी, लेकिन जो ऐसी टीम, उपचार की टीम है, जो अभ्यासकर्ता की टीम है, जो कि क्लाइंट और क्लाइंट से संबंधित मुद्दों को डील कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, और उसको दूर करने में मदद कर रहा है, तो उन सभी जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, अभ्यासकर्ता की टीम है, तो उनके साथ समस्याओं को जो है डिस्कस किया जा सकता है। अदरवाइज हर व्यक्ति के जो समस्याएं हैं और समस्याओं से जुड़ी हुई और कहा जाए कि बातें हैं,
सबके संबंध हैं, सबके व्यवहार हैं, उन सब चीज़ों को जब तक बहुत ज़रूरी न हो और जो लोग जुड़े हैं उन्हीं लोगों तक ही उस चीज़ को डिस्क्लोज करना चाहिए, और जिससे कि ऐसा न हो कि ऐसे लोगों के साथ यदि उनकी गोपनीय चीज़ों को शेयर किया जाएगा तो उनका संबंध खराब हो सकता है और हमारे ऊपर भी विश्वास, अभ्यासकर्ता के ऊपर भी विश्वास कम हो सकता है। आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। जो अभ्यासकर्ता है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर हैं, उनको बराबर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखना चाहिए कि कोई जजमेंट जो है थोपना नहीं चाहिए और एक ओपन माइंड से बिना किसी प्रेजडिस के, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, बिना किसी कहा जाए कि एक हाइपोथेटिकल बातें ले करके नहीं जो है निष्कर्ष निकालना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए या ट्रीटमेंट प्लान बनाना चाहिए और इंटरवेंशन काम शुरू करना चाहिए, बल्कि एक ओपन माइंड से समस्या, जरूरत, व्यक्ति और व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए ओपन माइंड से जो उस व्यक्ति और समस्या के लिए उपयोगी है, उपयोगिता है, वह निष्कर्ष होना चाहिए और अभ्यास की योजना और इंटरवेंशन होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे हमारे लॉ प्रोफेशन में वकील लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में टीचर्स हैं, तो सबको एक तो क्या होता है कि हम जहाँ पर्सनल संबंध होता है वहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है, और जहाँ प्रोफेशनल बिजनेस, प्रोफेशनल हमारे क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ हम अभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा क्या होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। तो प्रोफेशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर, जो वैल्यूज़ हैं और हमारे रिलेशन के जो डिग्री हैं, उस डिग्री को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने जो है अभ्यास को दशा देना है, न कि व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि इनफॉर्मल रिलेशन में, जैसे फैमिली में और कहा जाए कि प्ले ग्रुप में हम लोग जो है इनफॉर्मल रिलेशन रख करके अनौपचारिक ढंग से जो है बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और इसके बाद बिना सोचे समझे भी कभी कभी जो है ना अपनी बातें ऐसे रख देते हैं इंजॉयमेंट के लिए, हंसने के लिए। लेकिन जब व्यवसायिक इशू डील कर रहे हैं तब हम उस समय जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर, कोड ऑफ एथिक्स, ये सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ऐसा ही नहीं विश्वास है कि आप सब जो है ये जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, जिसे कॉमन प्रिंसिपल आप सोशल वर्क कहते हैं, आप समझ गए होंगे और इसका व्यवहार में और अपने परीक्षा में इनका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।